कवि कहते हैं, मेरे घर छापा पड़ा, छोटा नहीं बहुत बड़ा, बहुत बड़ा छापा उनके घर पड़ा। अधिकारी उनके घर में सीधे घुस गए और उन्होंने उनसे सोना मांगा। उन्होंने पूछा, सोना कहाँ है? तो कवि इसका जवाब अपनी नींद से जोड़कर देते हैं कि सोना तो मेरी आंखों में है, कई रातों से मैं सोया नहीं हूं। अधिकारी कहते हैं, तुम हमारा मतलब समझे नहीं, हमें तुम्हारा सुवर्ण चाहिए। अधिकारी जब सुवर्ण मांगते हैं तो कवि जवाब देते हैं, सुवर्ण तो मैंने अपने काव्य में बिखेरे हैं, मैं तुम्हें कैसे सौंप सकता हूँ, तुम्हें कैसे सौंप दूं? कवि का जवाब सुनकर अधिकारी झुंझला जाते हैं और पूछते हैं, हमें तुम्हारा अनधिकृत रूप से अर्जित अर्थ चाहिए। अर्थ का मतलब होता है धन। तो कवि इसका अर्थ अपनी नई कविताओं से जोड़कर कहते हैं, अर्थ तो आपको मेरी नई कविताओं में मिल सकता है, आपको मिल जाए तो ढूंढ लो। अधिकारी को फिर गुस्सा आ जाता है और वे पूछते हैं, चांदी कहाँ है? वे कवि से चांदी मांगते हैं तो कवि चांदी का अर्थ अपने सफेद बालों से जोड़कर कहते हैं, तो चांदी तो मेरे बालों में आ रही है धीरे धीरे। अधिकारी फिर गुस्सा हो जाते हैं और पूछते हैं, तुम्हारे नोट कहाँ है? नोट का अर्थ होता है धन। तो कवि इसका जवाब, इसका संबंध परीक्षा के नोटों से जोड़कर कहते हैं, नोट तो मैं परीक्षा से एक महीना पहले तैयार करूंगा।